हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। सोच बदलने से बदलेगी सूरत। इसके लेखक हैं उपेंद्र राय, सहारा न्यूज नेटवर्क के सीईओ हैं और एडिटर इन चीफ भी हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक विमर्श तक जहां भी देवी का वर्णन है वहाँ शक्ति उसके पर्याय स्वरूप में उपस्थित है। जब कभी राक्षसों से देवता परेशान हुए तो उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों में से एक बलवान देवी को जन्म दिया। आशय यह है कि शक्ति का यह रूप बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बना जो कालांतर में औरतों को देवी का दर्जा देने का आधार बना। लेकिन शक्ति के यह भक्ति छलावा साबित हुई। जिस औरत को भगवान कहा गया उसका इंसान बने रहना भी मुश्किल हो गया। अन्याय के इस अंतहीन सिलसिले के बीच ऐसी अनगिनत दास्तान हैं जिन्होंने महिलाओं चैन ही नहीं छीना, समाज के हर संवेदनशील सोच को भी बेचैन किया। हैदराबाद में लेडी वेटरनरी डॉक्टर के साथ गैंगरेप और फिर उसे जिंदा जलाकर मार देने के वैसी कृत्य से देश एक बार फिर बेचैन हुआ। जगह जगह गुस्सा प्रदर्शन बनकर सामने आया। सड़क से संसद तक देश एक खड़ा दिखा। उन्नाव में हुई वारदात भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। खुद पर हुए जुल्म के खिलाफ पीड़िता का अदालती लड़ाई के घर से निकलना, बलात्कारियों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने उसे जिंदा जलाने की हिमागत कर डाली। 95% तक जली पीड़िता ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हैदराबाद और उन्नाव की इन वारदात में समानता यह है कि दोनों घटनाओं को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। एक में रेप के सबूत मिटाने के मकसद से पीड़िता को जिंदा जलाया गया, जबकि दूसरे मामले में ऐसा पीड़िता को सबक सिखाने की नीयत से किया गया। दोनों घटनाएँ क्रूर हैं, अपराधियों कि बेखौफ होने का सबूत है। उन्नाव की घटना इस मायने में अधिक गंभीर है क्योंकि इसमें अपने हक के लिए न्याय की लड़ाई के रास्ते को भी बंद कर देने का दुस्साहस दिखता है। हैदराबाद केस में जो राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रशेखर राव घटना के दूसरे दिन ही शादी की दावत उड़ाने हैदराबाद से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली पहुँचे गए, लेकिन उन्हें उससे कई गुना कम फासला तय कर पीड़िता के घर जाकर मातम पुरसी की जरूरत महसूस नहीं हुई। गुस्से में उबल रहे देश ने इसके बाद जो देखा हुआ है भी कम हैरान करने वाला नहीं है। एक संगीन घटनाक्रम में चारों आरोपी ठीक उसी जगह एनकाउंटर के शिकार हुए जहां उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। हैदराबाद पुलिस की त्योरी पर भले ही प्रश्न उठे, लेकिन पुलिस के इस एक्शन पर पूरे देश में जश्न मना। इनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर भीड़ ने फूल बरसाए तो महिलाओं ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधे। हैदराबाद के लिए कि जिस पुलिस कमिश्नर को दिन दहाड़े हुई जघन्य वारदात के बाद जीरो बताया जा रहा था, वही इस कार्रवाई के बाद रातों रात हीरो बन गया। फैसला ऑन द स्पॉट वाली यह कार्रवाई भले ही गैरकानूनी लगे, लेकिन देश की जनता को रास आई। हमारे लीगल सिस्टम के लिए इसका संदेश बेहद खतरनाक है। जनता अब फैसले के लिए तारीख पर तारीख की मार झेलने को तैयार नहीं है। रेप जैसी घटना से पहले और बाद में अपराधियों के लिए समाज का बर्ताव महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी पर अपराधियों का व्यवहार भी निर्भर करता है। उन्नाव मामले में रेप पीड़िता लगातार आरोपियों से धमकी मिलने की शिकायत करती रही, मगर पुलिस लापरवाह बनी रही। हैदराबाद की घटना के बाद भी राज्य के गृह और शिक्षा मंत्री के ऐसे बयान सामने आए जिसका मतलब निकाला जा सकता है कि महिला डॉक्टर के साथ घटी घटना के लिए खुद वही जिम्मेदार है। इन घटनाओं पर लगाम के लिए कानून को सख्त बनाने की हिमायती सुर फिर सुनाई देने लगी, लेकिन यह है काम तो हम 7 साल पहले ही कर चुके हैं। निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए कानून सख्त तो किए गए, नतीजा क्या निकला? दुष्कर्म कम तो नहीं हुए, उल्टे गैंगरेप की तादाद
बढ़ गई। 2004 में धनंजय चटर्जी को रेप और हत्या के मामले में फांसी दी गई थी। उसके बाद से बीते 15 साल में किसी बलात्कारी को फांसी नहीं दी गई। एनसीआरबी के अनुसार 10 साल में 2,78,886 महिलाओं के साथ रेप हुए, जबकि सजा की दर केवल 25% से के करीब रही। अकेले साल 2016 में 38,947 महिलाओं के साथ रेप हुए, जिसमें 2,167 महिलाओं के साथ सामूहिक रेप हुआ। कुछ साल पहले संयुक्त राष्ट्र का एक सर्वेक्षण सामने आया था, जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों में हर चौथे पुरुष ने कम से कम एक महिला से दुष्कर्म की बात मानी थी। लेसेंट ग्लोबल हेल्थ में छपी इस स्टडी का सार निकला कि 70% पुरुष रेप को अपना अधिकार मानते हैं। 60% ने तो केवल अपनी ऊब मिटाने के लिए इस अधिकार का इस्तेमाल किया। सर्वेक्षण में शामिल केवल 23% लोगों को अपने किए की सजा मिली। मोबाइल और इंटरनेट के दौर में इस मानसिकता के तार पोर्न फिल्में एमएस जैसी बुरी आदतों से भी जुड़े हैं। रेप और उसका वीडियो बनाना अब अपराधियों का सकल बन चुका है। समाज में जो अपराधी सराफत का लावादा ओढ़े बैठे हैं, वह ऐसे वीडियो को तलबगार होते हैं। यूट्यूब के सर्च लिस्ट रिजल्ट में हैदराबाद केस का ट्रेंड करना हमारे आसपास के समाज की ही तो मानसिकता है। इससे पहले कठुआ में बच्ची से रेप के केस में भी रेप का वीडियो ढूंढने की विद्रोह सोच ने हमें शर्मसार किया था। तो फिर रास्ता क्या होना चाहिए? एक स्त्री का सम्मान नहीं कर पाना बताता है कि समाज में परवरिश की समस्या है। बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर है, और माता पिता पहले शिक्षक। बच्चा घर जब घर में ही अपने पिता के हाथों माँ का अपमान होते देखता है, तो यही सोचता है कि जब इनका मान नहीं तो फिर किसका सम्मान होना चाहिए। औरत की यह दशा चाक पर गीली मिट्टी की तरह बाल मन पर ताउम अपनी छवि बना लेती है। समस्या वहीं से शुरू हो जाती है जहां लड़के लड़कियों में भेदभाव होता है, जो आगे चलकर स्त्रियों के द्वयम दर्जे में बदल जाता है। अग्रगामी सोच को लेकर विवादास्पद रहे आचार्य रजनीश के दर्शन से भी समाज की इस रूढ़िवादी मानसिकता का पता चलता है। रजनीश के मुताबिक औरत को परतंत्र बनाने में सामाजिक व्यवस्था का बड़ा हाथ है, जबकि मानसिक रूप से कोई भी महिला परितंत्र नहीं होती। महिला की जिंदगी एक हिस्से को मुक्त कर उससे निर्णय लेने का आज़ादी दी जाए तो वह न केवल महिलाओं बल्कि समाज की दिशा भी सुधारी जा सकती है। रजनीश के दर्शन की भले ही व्यापक स्वीकृति नहीं हो, मगर महिलाओं की दशा सुधारने वाली इस सोच से भला कौन इनकार करेगा। जब तक माता पिता, परिवार, धर्मगुरु, शिक्षक और तमाम सामाजिक संगठन नई क्रांति लाने के भाव से काम नहीं करते, यह मर्ज फैसला ही जाएगा। इसके लिए प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखना भी जरूरी है। पुलिस के भ्रष्ट होने का असर अपराध पर ही पड़ता है, इसलिए लापरवाह पुलिसकर्मियों को सजा भी देते रहना होगा। न्याय प्रक्रिया को तेज बनाएं, बगैर उम्मीद पैदा नहीं की जा सकती है। न्याय में देरी न्याय नकारने से कम नहीं है। इस दिशा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पॉक्सो एक्ट में दया याचिका को खत्म करने का सुझाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे यौन अपराध के शिकार नाबालिग बच्चों को तेजी से इंसाफ मिल सकेगा। इस तरह राजनीतिक नेतृत्व को भी यह इच्छा शक्ति दिखानी होगी कि रेप जैसे अपराध से किसी भी तरह से जुड़े व्यक्ति कि उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसी शिकायत मात आते ही दलों को उन्हें बाहर करना होगा। एहतियात और कार्रवाई दोनों जरूरी है। इनके जरिए ही अपराधियों में खौफ और सभ्य समाज में न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा जगाया जा सकता है। हैदराबाद इनकाउंटर के बाद तो और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि फिलहाल तो जन समर्थन आरोप पितों के ऐसे ही अंजाम को देश का विधान बनाए जाने के पक्ष में खड़ा दिख रहा है। चलिए दोस्तों, तो एक था बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल।